जालौन में बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई किसानों की फसलों की मुआवजा धनराशि उनके खाते में शासन द्वारा पहुंचनी शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कोंच तहसील सभागार में प्रभावित हुए किसानों को मुआवजा धनराशि प्रमाण पत्र का वितरण किया है। शासन ने जालौन के लिए 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है और डायरेक्ट टू बेनिफिट योजना के तहत किसानों के खाते में धनराशि पहुंचानी शुरू कर दी है। इसी के तहत कोच तहसील के प्रभावित हुए 857 किसानों के खातों में मुआवजा धनराशि पहुंचा दी गई है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि लगातार सर्वे जारी है और किसानों को मुआवजा राशि दी जा रही है। हुए थे उनको चिन्हित करके वहाँ के लेखपाल उनके द्वारा ये रिपोर्टें आ रही हैं और अभी करीब 98 लाख के करीब ये पैसा लोगों के खाते में, किसानों के खाते में भेज दिया गया है और हम लोगों को ये देखना है कि वो जल्दी से जल्दी जो किसान प्रभावित हुए हैं तो वो सभी के खाते में पैसा पहुंच जाए। हमारे खेत में मसूर का मटर सफ़ेद बबा था, उसमें ओले पानी गिरने से नुकसान हो गया है और फसल पूरी नष्ट हो गई है और उसने हमें सरकार ने हमें 10,880 का भुगतान किया है। सरकार द्वारा 15,997 धनराशि नंदकिशोर राजपूत हमारे खाते में आई। श्री माननीय भान प्रताप सांसद जी मंत्री द्वारा हमको प्रमाण पत्र मिला।